हेलो एवरीवन, अगेन आई एम विथ यू विद अ न्यू वीडियो गाइस। आज का जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑलरेडी मैं प्रिकॉशन का एक पार्ट जो है जो कि इन इनटू और विद इन पर बेस्ड था वो अपलोड कर चुका हूँ। ये सेकंड इसका पार्ट है जिसमें मैं आपको ऑन एट और अपॉन पर बेस्ड आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक प्रिपोजिशन में मैं आज आपको बता रहा हूँ ऑन एट अपॉन, राइट। ये इसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑन क्या होता है, एट क्या होता है, अपॉन क्या होता है। तो बच्चों, ये सबसे पहले तो आप एक चीज़ क्लियर कर ले कि ऑन जो है इसका मतलब पर होता है, ये प्रिपोजिशन है, राइट। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी है, सरफेस पर रखी हुई है और वो पूरी तरह स्थित है, राइट। जैसे आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा टेबल पर एक पैन है, तो आप कहेंगे देयर इज अ पैन ऑन द टेबल, राइट। यहां पर ये जो ऑन है, दिस इज द प्रिपोजिशन, क्योंकि वो टेबल पर पूरी तरह स्थित है, दैट इज व्हाई। सो देयर इज अ पैन ऑन द टेबल, सो देयर द ऑन इज एक्चुअली अ प्रिपोजिशन, राइट। ऐसे हम काफी और एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक आपने कहा सम बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर कुछ लड़के जो है वो खड़े हुए हैं, राइट। सम बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, सो हियर द वर्ड ऑन इज एक्चुअली अ प्रिपोजिशन, राइट। ऐसे काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑन का उपयोग होता है पर, जब कोई वस्तु कहीं पर या व्यक्ति कहीं पर पूरी तरह स्थित हो, कंप्लीटली सिचुएटेड हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वहाँ पर ऑन का यूज़ करना है, राइट। दैट इज द फर्स्ट यूज फ्रेंड्स। सो फर्स्ट यूज हम लिखेंगे पूरी तरह स्थित हो, राइट। द सेकेंड जो यूज हमें इसको लेकर चलना है वो है डे एंड डेट। विशेष ध्यान देंगे गाइस आप लोग, ये एग्जांपल्स भी आप नोट करते हुए चलेंगे। आपको याद रखना है, ध्यान देना है, डे और डेट के आगे भी आपको जो है ऑन का यूज किया जाता है। जैसे आपने डे का नाम लिया, लाइक मैं संडे को इंदौर जाऊंगा, सो यू वुड से आई शैल गो टू इंदौर ऑन संडे। नाउ यू कैन सी बिफोर संडे आपने क्या अप्लाई किया है, ऑन अप्लाई किया है, राइट, ऑन संडे। ऐसे डेट के आगे शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे ऑन 26 सितंबर, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन 26 सितंबर हमने क्या अप्लाई किया, इसके आगे ऑन अप्लाई किया। तो डे और डेट के आगे भी आपको याद रखना है, आपको ऑन का यूज़ करना है। इसके अलावा ऑन के और भी काफ़ी सारे यूजेस है, लाइक शी कम्स हियर ऑन टाइम, तो ऑन टाइम जो है इसके आगे भी आप ऑन का अप्लाई करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ऑन के काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो फर्स्ट यूज़ जो हमने देखा फ्रेंड्स वो था ऑन। सेकंड यूज़ जो हम अब देखने जा रहे हैं, दैट इज़ द एट। देखिए, एट के काफ़ी सारे यूजेस हैं और एट बोलने पर बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं पहले इसका बेसिक जो इसके बेसिस पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बता दूं। जिसे पर के सेंस में यूज़ होता है, वैसे ये भी पर होता है, बट ये पूरी तरह स्थित नहीं होता है। मतलब कहीं पर कोई पॉइंट पर कोई जगह है, पॉइंट को हम लेकर चलते हैं किसी और वहाँ पर बात करें, लाइक मैंने किसी से कहा कि वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे इंग्लिश में वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। यू कांट से ऑन द डोर बिकॉज वो दरवाजे पर पूरी तरह स्थित नहीं है, सो आपको बोलना होगा ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। अगर कोई खिड़की पर खड़ा हुआ है तो अब कहा जाएगा ही इज स्टैंडिंग एट द विंडो। यू कांट से ही इज स्टैंडिंग ऑन द विंडो, यू हैव टू से ही इज स्टैंडिंग एट द विंडो, राइट। तो एट का जो यूज हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति कहीं पर पूरी तरह स्थित नहीं हो, फिर भी उस जगह को हम बता रहे हैं उस जगह के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग एट को यूज़ करते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट यूज ऑफ एट। सेकंड एट का यूज़ होता है फ्रेंड्स टाइम के आगे, जब भी समय आपका ओ क्लॉक करके आता है, राइट, तो आपको एट अप्लाई करना होता है। जैसे आपने कहा वो यहाँ 9 बजे आता है, तो आपको कहना होगा ही कम्स हियर एट 9 o'clock, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या अप्लाई किया हमने, एट 9 o'clock, मतलब 9 बजे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और एक और बात बता दूं, मैं लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको मैं इन इनटू विद इन, ऑन एट अपॉन
पूरी प्रिपोजिशन फॉर बेस्ट आपको फिलअप करने के लिए दूंगा, और आपको फिल करके बताना है उसमें कि सही ऑप्शन को रिकग्नाइज करना है कि सही कौन सा जा रहा है। चलिए तो इस तरीके से दो यूजेस देखे हमने एट के। एट के इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, लाइक जब भी आप किसी छोटी जगह की बात करते हैं और उस छोटी जगह के साथ में किसी बड़ी जगह का आप लोग जिक्र करते हैं, तो आपको याद रखना है उस छोटी जगह के आगे भी आपको, स्मॉल प्लेस के आगे भी आपको एट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ही लिव्स एट रामेश्वर नगर इन खंडवा। यू कैन सी खंडवा इज अ सिटी, राइट, और खंडवा के रामेश्वर नगर में वो रहता है, तो इसके आगे हम लोग एट लगाएंगे और बड़े जो है उसके आगे हम इन लगाएंगे। छोटा सा बेसिक यूज है जो आपको याद रखना है। अगर आप सभी ने देखा हो तो हम गांधी जी का जो ऐसे याद करते थे बचपन में, जिसमें हम याद करते थे गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, तो हम पोरबंदर के आगे इट लगाते थे और गुजरात के आगे इन लगाते थे, तो इससे भी हम थोड़ा रिकग्नाइज कर सकते हैं कि स्मॉल जो प्लेसेस होती हैं उनका कंपैरिजन जब बड़ी प्लेसेस से होता है तो स्मॉल प्लेसेस के आगे इट लगता है और बड़ी प्लेस के आगे आपका इन लगता है। हो फ्रेंड्स यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ओके सो दैट इज द यूज। इसके अलावा और भी आपको याद रखना है, एट होम, एट कोचिंग, एट स्कूल, एट कॉलेज, है ना, एट यूनिवर्सिटी, एट शॉप, ये सारे के सारे वर्ड्स, एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टैंड, एवरीवेयर वी हैव टू यूज एट, राइट। होप यू आर गेटिंग। नाउ द नेक्स्ट यूज इज वी हैव अपॉन, राइट। जो अगला यूज हमारा है वो है अपॉन, तो अपॉन का यूज मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, आप समझेंगे। अपॉन में को एक और वर्ड हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, वो होता है ओन टू, ठीक है। अब देखना इसमें नाम में ही छुपा है, अपॉन एंड ओन टू। टू मतलब जिसके साथ लग गया वो उसके डायरेक्शन को दिखाता है, टू मीन्स होता है टूवर्ड्स, राइट। तो आप ऐसा इसको याद रख ले कि अपॉन और ऑन टू का जो मतलब होता है कैसे होता है, लाइक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे एक टेबल है, इस टेबल यहाँ पर एक चेयर या कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक और छोटा टेबल है या एक चेयर रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से जंप करके यहाँ पर कूदता है, लाइक मैंने कहा एक जो बिल्ली है वो बिल्ली टेबल से जंप कर रही है कहाँ पर, चेयर पर जंप कर रही है, तो हम कहेंगे The cat jumped upon chair. You can see आपने क्या लिखा है यहां पर, The cat jumped upon a chair from table, right? तो यहां पर ये जो प्रोसेस हुई है अपॉन की, बिल्ली जो है कूदी है किस पर, चेयर पर कूदी है, राइट। तो ये जो प्रोसेस हुई है इसके लिए आपको अपॉन यूज करना है। इन शॉर्ट आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर है और उसमें मोशन हो रही है, गति हो रही है, राइट। आपने देखा कि एक जो छिपकली वो दीवार पर चढ़ रही है, तो आप क्या कहोगे, द लिजार्ड इज क्लाइमिंग अपॉन द वॉल। दिस अपॉन एक्चुअली शोइंग कि आप ये बता रहे हो कि द लिजार्ड इज क्लाइंबिंग अपॉन द वॉल, जो छिपकली है वो दीवार पर चढ़ रही है, सो गति हो रही है, मोशन हो रही है, दैट इज वाई। अब ये मोशन को आप ये नहीं समझे कि लाइक कोई रोड पर दौड़ रहा, तो यू वुड से बॉयज आर रनिंग अपॉन द रोड, इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। यू हैव टू से बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड। सो जो गति आपकी वर्टिकल हो रही है उसके बारे में हम बात करें, जैसे बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री, तो अपॉन एंड ऑन टू कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। हो फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे ऑन एट एंड अपॉन। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि आपको कितने सारे सेंटेंसेस को किस तरीके से फिलअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं पीछे आपकी एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ, देख सकते हैं बेसिक प्रिपोजिशन एक्सरसाइज। सो इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हैं, इनके मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, हमको उसको रीड करके इसको फिलअप करना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है इसमें, शी ड्रॉप्ड अ कॉइन ब्लैंक द बॉक्स इन इनटू ऑन एंड एट। मैंने आपको ऑलरेडी इन इनटू का जब यूज पढ़ाया था तो बताया था आपको मैंने कि बॉक्स में अगर कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं मतलब ऑब्वियसली वो क्या हो रही है, वहां पर गति हो रही है, मोशन हो रही है, तो आप कहेंगे इनटू, राइट। तो मोशन को शो ऑफ करने के लिए जो रही सही आंसर आपको होता है दैट इज इनटू। सो शी ड्रॉप्ड द कॉइन इनटू द बॉक्स। दे ऑलवेज मीट मी ब्लैंक द बीच ब्लैंक द मॉर्निंग। तो आपको याद रखना है, तो याद रखने वाली बात होती है कि जब भी आता है मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, तो इसके आगे लगता है इन, तो इन द मॉर्निंग, और बीच एक पर्टिकुलर प्लेस है दैट इज वन ऑन द बीच, ओके। दे ऑलवेज मीट मी ऑन द बीच इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, ही लीव्स ब्लैंक
पलासिया ब्लैंक इंदौर, मैंने आपसे कहा था जब बड़े शहर के आगे आप छोटी जगह की बात करते हैं तो उसके आगे लगता है एट और शहर के आगे लगता है इन. सो ही लिव्स एट पलासिया इन इंदौर. सो एट पलासिया इन इंदौर, दैट इज अ करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज ही जंप्ड फ्रॉम द फ्लोर ब्लैंक द चेयर. तो वो फ्लोर पर कूदा, फ्लोर से कूदा चेयर पर. तो आपको पता होना चाहिए गति हुई है, मोशन हुई है, तो मोशन इसमें भी होती है, इसमें अंदर मोशन हुई है, इसमें पर मोशन हुई है. द राइट आंसर विल बी अपॉन. इसके लिए एक और वर्ड ऑन टू भी होता है, ऑन टू एंड अपॉन दोनों का एक ही मतलब होता है. तो द राइट आंसर विल बी अपॉन. नेक्स्ट इज डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज ब्लैंक द शॉप नाउ. अभी उसे परेशान मत करो, वो अभी दुकान पर है. तो एट द शॉप, राइट, एट द शॉप द राइट आंसर विल बी. नाउ द नेक्स्ट इज ही डजंट लाइक टू स्लीप ब्लैंक द बेड, सो ही स्लीप्स ब्लैंक द फ्लोर. अब आप देख सकते हैं बेड की बात हो रही है, बिस्तर की बात हो रही है, दैट इज व्हाई द राइट आंसर विल बी ऑन द बेड. सो ही स्लीप्स ऑन द फ्लोर, दोनों पर आएगा क्योंकि पूरी तरह से होता है, दैट इज व्हाई द राइट आंसर विल बी ऑन. वंस आई वेंट देयर ब्लैंक विंटर, इन विंटर, इन समर, इन सब सब में इन लगाते हैं हम लोग, याद रखेंगे आप लोग. यस्टरडे आई फाउंड हर स्विमिंग, कल मैंने उसे देखा स्विमिंग करते हुए पूल में. तो इनटू द पूल, बिकॉज गति हो रही है, मोशन हो रही है, दैट इज व्हाई इनटू द पूल. कंप्लीट दिस वर्क एनीहाउ ब्लैंक टू डेज, कैसे भी करके इस काम को दो दिन के अंदर कंप्लीट करो, विद इन टू डेज, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज आई विल डू दिस ब्लैंक नेक्स्ट संडे, मैं इसे अगले संडे करूंगा, तो ऑन नेक्स्ट संडे, राइट. तो दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि डे के आगे आपको संडे ऑन लगाना होता है. आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और काफी इजी थे. तो इस तरीके से बेसिक प्रिपोजिशंस में मैंने आपको सिंपल सिंपल प्रिपोजिशंस के प्रैक्टिकल यूजेस बताया. होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें. थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच.